दोस्तों जय हिंद। एसएससी जीडी का शेड्यूल डेट दे दिया है, तो अगली भर्ती आने से पहले ही है ना, क्योंकि अपना अपने देश की व्यवस्था जो ऐसी है कि अगली भर्ती जो है इस तरह से एक बड़ी भर्ती जो है और बाकी चीज में भी वो 2029 तक आएगी, फिर बीच में छोटी छोटी भर्ती आती रहेगी या नहीं भी आएगी, है ना। तो अपने आप को थोड़ा ऐसे तैयार करो, है ना, कि हम सिलेक्शन ले सकें, ठीक। तो हम आपकी इसमें एक मदद जरूर करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें कैटेगरी करके करेंगे। जैसे दो दो बच्चे होंगे एक अलग जो तैयारी कर चुके हैं, बढ़िया मेरिट में रह गए या मेरिट बनने लायक स्कोर हो गया है उनका, है ना, क्योंकि मेरिट बनाना और एग्जाम देना दोनों अलग अलग चीज है थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरा वो होंगे जो पहली बार एग्जाम दिए होंगे या पहली बार एग्जाम देंगे अभी, लेकिन स्कोर कम ही रह गया था, ठीक है। तो जिनका स्कोर कम ही रह गया था, ठीक है, या अभी पहली बार देने वाले हैं, उनकी तैयारी का हम पहले अगर बात करें तो आपको बता दूं, ठीक है, इसमें ऐसा हम मदद करेंगे, क्योंकि देखो मेरा जो शेड्यूल है वहां पे जब हम पढ़ रहे थे जब पटना में दोस्तों के साथ, तब मेरा जो शेड्यूल था हम उससे कंपेयर करके बात करेंगे, क्योंकि हम जो किए वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं था, ठीक है। तो आप इसको एक एग्जाम के लिए मत लेना, ठीक है, तीन चार एग्जाम लिखे सभी में हुआ। तो मैं आपको एक बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या करना है, करंट अफेयर्स का कोई सी एक बुक ले लेना है, ठीक है। उसमें डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो आपकी मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि समय कम होता है और कवर ज्यादा करना होता है, ठीक है, तो वो जरूर लेना है एक। और उसके बाद ग्रुप में पढ़ना है जो सिंसियर बच्चे होंगे उनके साथ, कि भैया हमको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, उनके साथ जरूर पढ़िएगा, वो मिल जाएंगे आपके आसपास, ठीक है। नहीं भी मिलते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, रोज का देख करके वीडियो चैट ज्वाइन कर सकते हो किसी का, अपने चार पांच दोस्तों का, ऐसे करके जो भी आपको सहूलियत हो उसके हिसाब से जरूर करना। मेन है कि काम को हम करें, ठीक है, वो करना है करंट अफेयर्स। दूसरा सबसे ज्यादा वेटेज अगर है तो प्रैक्टिस सेट में मैथ्स और रीजनिंग का है, जो आपकी बहुत मदद कर सकता है। वेटेज तो सभी एक है लेकिन मदद बहुत करेगा आपकी, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं या जब स्कोर कम आ रहा है तो उसको क्या है, अभ्यास कम करें, लेकिन थोड़ा सा चलेगा, लेकिन सीखने का टाइम ज़्यादा है, ये कम से कम एक महीने तक आपको करना है, फिर एक महीने के बाद आपका शेड्यूल अलग हो सकता है, ठीक है, जो बाद वाला बताएंगे उसके अनुसार। तो उसमें आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करने के बाद जो आप किए हो उसको एक बार बढ़िया से देख लेना है पूरा पूरा। देखने के बाद जो रह जाता है या जो छूट जाता है या जिसमें मुश्किल आती है प्रश्न में, उसको देखना है बढ़िया से। मैथ्स और रीजनिंग में आपको बहुत अच्छा तक स्तर तक एकदम बढ़िया 100% 95% तक लेके 99% तक एकदम से 100% तक उसको लेके जाना है, तभी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। मैथ हिंदी में भी सेम यही बात है, ठीक है। ये आप जो अगर शेड्यूल अगर आप कम से कम एक महीने अगर कर लेते हो, ठीक है, एक महीने मतलब कम से कम कितने हो गए, चार दुनी आठ, है ना, आठ प्रैक्टिस सेट और उसके बाद करंट अफेयर्स डेली दोस्तों के साथ, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद जब अगर दूसरे कैटेगरी में बात करें जिनका मेरिट में थोड़ा सा रह जाता है, ठीक है, या मेरिट लाइक स्कोर बना लिए लेकिन थोड़ा सा डर है, तो वो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है भाई, दूसरा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी ऐसी हो गई है कि आपको बहुत सारे टॉपिक सब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस सेट करना है और करंट अफेयर्स को खूब पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स को सेम वैसे ही पढ़ना है दोस्तों के साथ ग्रुप में, ठीक है, बुक से पढ़ना है, चार चार पेज ऐसे करके ले लेना है कि भैया हमको आज तीन से चार पेज पढ़ना है ऐसे करके, ठीक है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन में थोड़ा सा आसान हो सकता है, ठीक, करंट अफेयर्स का। उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग मैथ्स की और हिंदी की, तो ये आपको लेकर के जाना पड़ेगा, जितना आपको आ रहा है उसमें कम से कम तीन तीन चार चार प्रश्न अधिक लेकर के जाओ, ठीक है, वो आपके स्टेट पे भी डिपेंड कर सकता है कि आपको कितना लेके जाना है, ठीक है। तो वीडियो में अगर फिर भी कुछ रह जाए कि भैया मेरा स्कोर इतना कम हो गया है मैथ्स में, इतना आ रहा है, तो आप इतना इतना लिख सकते हो कि भैया इंग्लिश में इतना आ रहा है, चाहे हिंदी में इतना आ रहा है, फिर मैथ्स में रीजनिंग में इतना प्रश्न कर पा रहे हैं, ऐसे करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें इस बारे में। और वीडियो पे आप मतलब लाइव में भी जुड़ सकते हो, ठीक है, तो वो भी हम शेड्यूल करेंगे, लगातार जुड़े रहिएगा, कभी कभी हम ऐसे बात करेंगे जब भी समय मिल जाएगा आपके साथ कि कहाँ पे हम ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कहाँ पे छूट रहे हैं, ठीक है। अभी इतना ही, वीडियो पसंद आएगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं फिर, जय हिंद।